हेलो एंड वेलकम टू द आईएएस एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं तीरान और इस सनाफिर आइलैंड के बारे में। ये दो आइलैंड का जो डिस्प्यूट है वो इजिप्ट और सऊदी अरब के बीच में, पर इसमें इसराइल की क्या भूमिका है, इसको हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। दरअसल इन दोनों आइलैंड का बहुत ही हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है और यह दो आइलैंड सऊदी अरब और इसराइल के बीच में के डिस्प्यूट की एक बड़ी वजह रहा है। दरअसल सऊदी अरब और इसराइल के बीच का जो डिस्प्यूट है वो जो मेन कॉज है इसका, वो टू स्टेट सॉल्यूशन। इसराइल पैलेस्टीन को एक अलग स्टेट मानता नहीं है और सारे अरब कंट्रीज इस मांग पे अड़े हैं कि पहले इसराइल को पैलेस्टीन को एक अलग स्टेट की मान्यता देनी होगी, तब जाके इसराइल और अरब देशों के बीच में एक नॉर्मलाइज रिलेशनशिप और डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो सकता है। पर अब सिचुएशन चेंज होती जा रही है। यूएई ने इसराइल को मान्यता दे दी है और बाकी अरब कंट्रीज भी, टर्की भी इसराइल से बातचीत कर रहा है, तो सऊदी अरब को भी ये रियलाइज हो रहा है कि सऊदी अरब ज्यादा देर तक इसराइल से दूर नहीं रह सकता, क्योंकि ऑलरेडी उसके ईरान से प्रॉब्लम चल रही है और अगर ईरान को काउंटर करना है तो आपको इसराइल के साथ होना पड़ेगा, क्योंकि इसराइल और सऊदी अरब दोनों का जो मेन इनेमी है, जो एक मेन दुश्मन है, वो ईरान है। और इन दोनों आइलैंड को लेकर जो समझौता हो रहा है वो यूएसए लीड कर रहा है। यूएसए अभी फिलहाल इसराइल और मिडिल ईस्ट कंट्री के दौरे पे थे, वहीं पर इस एग्रीमेंट को उन्होंने पब्लिक के और मीडिया के सामने रखा। अब हम इन आइलैंड्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर सऊदी अरब इन दोनों आइलैंड्स को क्यों लेना चाहता है और ये आइलैंड बेसिकली है किसके। तो आपको पहले मैप में समझना होगा कि दरअसल ये जो दो आइलैंड है, ये है तीरान और ये है सनाफिर। ये जो दो आइलैंड रेड सी का आइलैंड है और इनकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसराइल का इलाट पोर्ट है और जॉर्डन का अकाबा पोर्ट है। तो अगर इसराइल को रेड सी से कनेक्ट होना है तो जो स्ट्रेट ऑफ तीरान है यह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में अरब कंट्रीज क्या करती थी, इसे तीरान आइलैंड को ब्लॉक कर देती थी ताकि इसराइल जो है वो रेड सी को एक्सेस ही ना कर पाए। तो इसराइल, सऊदी अरब और अन्य अरब देशों के लिए ये जो तीरान का जो आइलैंड है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए जो बिडेन जब मिडिल ईस्ट के दौरे पे थे, उनको पता था कि अगर सऊदी अरब और इसराइल के बीच में नॉर्मलाइज रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है तो सबसे पहले इन्हीं दो आइलैंड का इशू सॉल्व करना पड़ेगा। अभी इन आइलैंड में जो इंटरनेशनल पीस कीपर वो एस्टैब्लिश ने, भले ही ये आइलैंड भी इजिप्ट के कंट्रोल में है पर इजिप्ट की सेना वहां पर नहीं है, क्योंकि पीस अकॉर्ड जो हुआ था इसराइल और इजिप्ट के बीच में उसमें ये साफ साफ मेंशन था कि जो इजिप्ट है अपनी सेना वहां पर नहीं रख सकता, उसको मिलिटराइज नहीं कर सकते, इसीलिए तब से इंटरनेशनल पीस कीपर से वो वहां पर एस्टैब्लिश है। तो यही एग्रीमेंट अब साइन हुआ है कि यहाँ से जो फोर्स है इंटरनेशनल पीस कीपर ये विड्रॉ कर ले जाएंगे और सऊदी अरेबिया इन दोनों आइलैंड का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेगा। बदले में सऊदी अरब अपना जो एयर स्पेस है वो इजरायली एयरलाइंस के लिए खोल रहा है। मतलब पहले क्या होता था कि जैसे इंडिया और चाइना में आना होता था इजरायली एयरप्लेन को तो वो घूम के आना होता था, इससे काफी उनका फ्यूल का खर्चा होता था। पर अब जब सऊदी अरेबिया से डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं तो वो कम फ्यूल में इंडिया और चाइना दोनों को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये इसराइल और सऊदी अरब के बीच में एक नया स्टेप है नॉर्मलाइजेशन के लिए, इनके बीच में ट्रस्ट डेवलप होगा। पर सऊदी अरब के मिनिस्टर ने साफ साफ कह दिया है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप है, अगर इसराइल और सऊदी अरेबिया के बीच में नॉर्मलाइजेशन होगा तो सबसे पहले जो टू स्टेट सॉल्यूशन है इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में, यह इसराइल को मानना होगा, ये उनके प्री रिक्वायरमेंट है, तब जाके सऊदी अरब और अन्य अरब कंट्रीज इसराइल के साथ में नॉर्मलाइज्ड और डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश कर सके। तो हम इसको एक पीस एग्रीमेंट की तरह देख सकते हैं। अब जानते हैं कि जो तीरान और सनाफिर आइलैंड है उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, किसका टेरिटोरियल क्लेम उन आइलैंड्स पर बनता है। तो 1906 में एग्रीमेंट हुआ था ऑटोमन एम्पायर और ब्रिटेन के बीच में। इस एग्रीमेंट में यह कहा गया था कि जो इजिप्ट है उसके पास में ये रेड सी आइलैंड्स का कंट्रोल रहेगा, मतलब तीरान और सनाफिर आइलैंड इजिप्ट के कंट्रोल में रहेंगे। और 1950 में सऊदी अरब ने भी इसको एक तरीके से परमिशन दे दी थी, क्योंकि उस वक्त इसराइल एक्सपांड कर रहा था और इसराइल के एक्सपांशन को काउंटर करने के लिए वहां पर आर्मी डिप्लॉय करने की आवश्यकता थी। तो इसीलिए सऊदी अरब ने इजिप्ट को बोला कि काम करो, आप तीरान में अपनी आर्मी इस्टैब्लिश कर लो ताकि इसराइल के एक्सपांशन को रोका जाए। फिर जैसा कि आपको पता है कि इसराइल और अरब कंट्रीज के बीच में वॉर छिड़ गई थी और 1967 के वॉर के बाद में इसराइल ने इन दोनों आइलैंड को कंट्रोल पे ले लिया था। पर उसके बाद 1978 कैंप डेविड पीस ट्रीटी में, जिसको पीस अकॉर्ड बोलते हैं, उसमें इसराइल ने ये दोनों आइलैंड रिटर्न कर दिए थे इजिप्ट को। पर यह बात भी जानने वाली है कि सऊदी अरेबिया हमेशा से इन दोनों आइलैंड्स पर अपना क्लेम करता रहा है। फिर 2016 में आकर इजिप्ट ने पब्लिकली अनाउंस करके कहा कि वो दोनों आइलैंड को सऊदी अरेबिया को सौंप रहा है। हालांकि इसका बहुत ज्यादा विरोध भी हुआ था इजिप्ट में, क्योंकि सपोज करो सॉवरेन कंट्री है वो अपनी टेरिटरी या अपना आइलैंड किसी दूसरे कंट्री को देगी तो ऑब्वियस सी बात है उस देश की जनता खुश नहीं होगी। पर इजिप्ट के इसके पीछे अपनी कुछ वजह थी। तो जब 2016 में प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी ने ये अनाउंस किया कि वो ये दो आइलैंड को सऊदी अरेबिया को सौंप रहा है, तो
तो नेशनल प्रोटेस्ट हुए, पर इसकी जो बहुत बड़ी वजह थी वो यह थी कि सऊदी अरेबिया से इजिप्ट को एड और इन्वेस्टमेंट चाहिए थी, क्योंकि इजिप्ट में ऑलरेडी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, इन्वेस्टमेंट था नहीं, पैसे बिल्कुल खत्म होते जा रहे थे, बैंकक्रप्सी के कगार में थे। तो सऊदी अरेबिया जो कि तेल के भंडार में बैठा है तो वो ऑब्वियस सी बात है पैसे दे सकता था, तो जो एड और इन्वेस्टमेंट सऊदी अरेबिया दे रहा था उसके एक ही डिमांड थी कि इन दोनों आइलैंड्स को सऊदी अरेबिया को दे दिया जाए। और इजिप्ट सरकार ने भी एक आर्गुमेंट ये भी दिया कि ये जो आइलैंड थे वो बेसिकली सऊदी अरेबिया के ही आइलैंड थे जिसको लीज पर इजिप्ट ने ले रखा था 1950 से। और जो इजिप्ट की सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, उसने भी इस हैंडओवर के फेवर में ही डिसीजन दिया कि इजिप्ट इन दोनों आइलैंड को सऊदी अरेबिया को सौंप सकता है लीगली। और यह इजिप्ट के लिए एक प्रैक्टिकल डिसीजन भी है, क्यों? क्योंकि इन दोनों आइलैंड में कोई ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसका एक स्ट्रेटेजिक महत्व था इसराइल को काउंटर करने में। पर अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है इसराइल को काउंटर करने की आवश्यकता नहीं है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी सब जो कंट्रीज धीरे धीरे इसराइल के साथ में फ्रेंडली रिलेशनशिप बना रही हैं। और जो 1978 का जो एग्रीमेंट था उसके अनुसार वैसे भी इजिप्ट वहां पर अपनी आर्मी डिप्लॉय नहीं कर सकती थी, तो उसका कुछ वैसे भी औचित्य नहीं था कि इजिप्ट उसको क्यों कंट्रोल में रखे, और बदले में अगर उसको पैसे मिल रहे हैं या इन्वेस्टमेंट आ रही है तो इजिप्ट को लगा कि इन दोनों आइलैंड्स को सऊदी अरेबिया को देने में ही फायदा है। तो जो तीरान है वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ उसका एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रहा है, क्योंकि इसराइल का जो इलाट पोर्ट है उसको अगर रेड सी में एक्सेस करना है तो ये जो तीरान स्ट्रेट है उस पर इसको फ्री एक्सेस चाहिए इसराइल को। चाहे अगर इस आइलैंड पर किसी इनेमी कंट्रीज या फिर किसी कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में सऊदी अरेबिया या इजिप्ट इसको ब्लॉक कर दे तो इसराइल जो है वो रेड सी को एक्सेस नहीं कर पाएगा। इसराइल अपना बहुत हद तक जो गुड्स हैं, जो भी ट्रांसपोर्ट करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, वो इसी पोर्ट से करता है। इंडिया चाइना जैसी कंट्री को एक्सेस भी इसी पोर्ट से मिलती है इसको, तो अगर ये पोर्ट ही ब्लॉक हो जाएगा तो इसराइल को इससे बहुत डैमेज हो सकता है। तो इसीलिए इस नए एग्रीमेंट में भी इसराइल ने साफ साफ कहा है कि सऊदी अरेबिया इन दोनों आइलैंड का कंट्रोल ले सकता है, बशर्ते इस पर किसी भी प्रकार की आर्मी डिप्लॉय नहीं कर सकता सऊदी अरेबिया, इसको सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म या फिर डेवलपमेंट के पर्पज से ही इसको एक्वायर किया जा सकता है। और इजिप्ट का एक फायदा यह भी है कि यहाँ पर एक ब्रिज बनाने की बात चल रही है इजिप्ट और सऊदी अरेबिया के बीच में, एक 4 बिलियन का ब्रिज बनाया जाएगा। इससे इस ब्रिज से इन दोनों कंट्रीज के बीच में टूरिज्म बढ़ सकेगा, लेबर मूवमेंट भी इजी हो जाएगी, पीपल्स मूवमेंट भी इजी हो जाएगी, इसीलिए इजिप्ट को इस डील से ज्यादा फायदा है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।